नागपुर में नवरात्रि की धूम पूरे जोश के साथ चल रही है। माता की भक्ति और गरबा का रंग पूरे शहर को रोशन कर रहा है। इस साल भी दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित भास्कर गरबा महोत्सव की तैयारी पूरे जोरों पर है और यह आयोजन हर किसी की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शहर के लोग न सिर्फ गरबा के आनंद के लिए तैयार हो रहे हैं बल्कि गुजरात से आई प्रशिक्षक टीम से गरबा के अद्भुत स्टेप सीखने में जुटे हुए हैं। हर दिन प्रशिक्षण सत्रों में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है जहां वे गरबा के पारंपरिक और आधुनिक रूपों को सीखने में व्यस्त है। देखिए, दैनिक भास्कर के साथ हम लोग इस बार जुड़े हैं एंड पिछले कई सालों से जुड़ते आए हैं और जिस लेवल का गरबा होता है बहुत अच्छे लेवल पे होता है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, मैं अभी देखा ट्रेनिंग सेशन में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है एंड इतने सालों से ये गरबा होते आ रहा है। क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है इस दैनिक भास्कर के गरबा की। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा वाइब है अराउंड। पिछले काफ़ी सालों से रोकड़ी ज्वेलर्स दैनिक भास्कर के साथ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता है एंड कई बार इस बार भी हम लोग गिफ्ट स्पॉन्सर बने हैं जहाँ पे हम सोने के कॉइन्स और चांदी के कॉइन्स दे रहे हैं। सो एक जैसे कि सब जानते हैं कि सोना एक ऑल टाइम हाई पे है, सो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे लोगों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि आप पार्टिसिपेट कीजिए एंड गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स जीतिए। नमस्ते, हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आदित्य पिशने, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारा ब्रांड है आशीष एनएक्स, दी बैकबोन ऑफ आशीष एनएक्स फैमिली इज़ दी आशीष केवल रमानी जी, जो आज हमें 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं नागपुर में। आज हमारे तीन ब्रांचेस हैं, सीताबर्डी, जरीपटका एंड महल पे। सो बेसिकली हम लोग आज दैनिक भास्कर से हमें जुड़ने का मौका मिला है। काफ़ी सालों से दैनिक भास्कर एक बहुत सुंदर गरबा आयोजित करते हैं हर साल और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके हमारे नागपुर को आगे बढ़ाए और काफ़ी कुछ न्यू जनरेशन के लिए क्रिएट किए। और दैनिक भास्कर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर इज़ वन ऑफ द सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला और सबसे ज़्यादा चाहिदा अखबार है हमारे भारत का। सो इस बार हम बहुत एक्साइटेड है उनके साथ जुड़ने के लिए। सो ऑल द बेस्ट टीम दैनिक भास्कर, सो थैंक यू सो मच। पहला तो नागपुरवासियों को पहला नमस्कार। हम 25 साल से मध्य प्रदेश में आते हैं। बिगिनिंग में हमें जबलपुर, नागपुर, कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, जयपुर पूरा परिवार, रंगमेलन परिवार हम अहमदाबाद से आते हैं और इतना अच्छा नागपुरवासियों करते हैं ना, फटाफट डांस करते हैं। मेरा बेटा फैनिल भी इतना अच्छा काम करता है ना और मेरी बेटी दिव्या भी उसमें साथ कर दे, तो भैया नागपुरवासी बहुत अच्छे हैं और फटाफट मोमेंट पिकअप कर लेते हैं। और भास्कर परिवार इतना अच्छा है ना कि हमको इतना प्रोत्साहन मिलता है। 25 साल से मैं नागपुर आ रहा हूँ लेकिन इतना अच्छा लगता है परिवार में, हमें दैनिक भास्कर परिवार हम ही है। जैसे अभी सुमित साहब अभी लंदन है लेकिन मुझे उनकी जगह पे काम करना है, बस ये मेरा दैनिक भास्कर नागपुर का है ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। सर, ट्रेडिशनल गरबा से बहुत अच्छा रहता है। ट्रेडिशनल को गरबा आता है ना, डांडिया, हींच, तीन ताली जो भी करते हैं ट्रेडिशनल होता है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये ज़माने में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, समय देख के थोड़ा बदलना पड़ता है। सर, इस टाइम हम दाखला लाए नए स्टाइल और जो पुराने चार पांच आइटम इतना अच्छा है ना कि लोग परिवार बहुत अच्छा करते हैं नागपुरवासियों, बहुत मज़ा आता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक इतना एंजॉय करते हैं ना कि इतना, हम अभी कितना दिन हमारा 14 दिन हुआ है लेकिन इतना अच्छा सीख गए। आप देखेंगे 9 डांडिया का मोमेंट, 9 गरबा का मोमेंट, हींच, तीन ताली सब वेराइटी करते हैं, लोग को पसंद आता है। और मैं तो दैनिक भास्कर को आभारी हूँ कि हमको रोजी रोटी भी मिलती है सब कलाकार परिवार को। मेरा नाम गौतम शिकारी है, अहमदाबाद से हम आता है और हमारा परिवार पूरा वारसागत है, कलाकार सब परिवार वारसागत है। थैंक यू। रोकड़ी ज्वेलर्स से पारस रोकड़ी और आशीष एनएक्स शोरूम से आदित्य जैसे शहर की प्रतिष्ठित युवा उद्यमी भी इस गरबा प्रशिक्षण का हिस्सा बन चुके हैं। मिशन से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह आयोजन नागपुर के युवा को न केवल एक मंच प्रदान करता है बल्कि उन्हें माता के प्रति श्रद्धा और गरबा की सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है। भास्कर गरबा महोत्सव का भव्य आगाज होने वाला है और शहरवासी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। जैसे जैसे नवरात्रि की रातें गुजरी हैं, गरबा के ढोल और डांडिया की गूंज ने शहर के माहौल को और भी भक्ति और आनंद में बना दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।